आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ हमें इस क्वेश्चन में दिया है टू बॉल्स आर ड्रॉप फ्रॉम टॉप ऑफ ए हाइट टावर ठीक है विद अ टाइम इंटरवल ऑफ टी नॉट ठीक है

तो हम मान लेते हैं ये हमारा ग्राउंड है जो कि परफेक्टली इन इलास्टिक है ठीक है ये क्वेश्चन में दिया है और हम मान लेते हैं किसी सम हाइट से हम फर्स्ट बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं ठीक है सब यहाँ पे दिया है टाइम इंटरवल टी ऑट है तो उस समय जो हमारा फर्स्ट बॉल होगा कहीं यहाँ पे आया होगा विथ वैलिस मान लेते हैं इसका भी हो गया होगा इसमें टाइम टी नॉट लगा ठीक है तो ये ड्रॉप किया गया मतलब इनिशियली इसके पास जीरो है ये हमारा फर्स्ट बॉल है फर्स्ट बॉल है ठीक है अभी सेकंड बॉल हमारा एट द इंस्टेंट यहाँ होगा क्योंकि इनके बीच में टाइम इंटरवल टी नॉट है अब ये हमारा सेकंड बॉल को हम एट द इंस्टेंट इस पर ड्रॉप करेंगे ठीक है तो देखो यहाँ पे जब तक ये क्या हो जाए डिस्टेंस कवर कर लेगा तो यहाँ से हम क्या बोलेंगे एस नॉट इक्व टू हाफ जी इंटू टी नॉट स्क्वायर ठीक है अब देखो ये ये मान लेते हैं डिस्टेंस एस नॉट ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस एस नॉट ठीक है तो हम क्या कर रहे हैं ये हमारा अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है डाउनवर्ड डायरेक्शन निगेटिव तो यहाँ पे एस नोट डिस्टेंस नीचे कर रहा है तो माइनस एस नोट करेंगे और जी भी नीचे लग रहा है ठीक है जी नीचे लग रहा है तो ये भी माइनस जी तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ से एस नॉट आ गया हाफ जी नोट स्क्वायर ठीक है तो इसके बीच में अगर देखें हमें जैसे इसको ड्रॉप करेंगे तो मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर दिया है तो ठीक है तो इनके बीच में हमें दिया है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू बॉल्स प्लॉटेड अगेंस्ट मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू बॉल्स ये क्या है इस नॉट मतलब जैसे इसको ड्रॉप करेंगे एट द इंस्टेंट तो इसके बीच में कुछ प्लस पॉजिटिव डिस्टेंस है ठीक है तो यहाँ से देख रहे हैं तो पॉजिटिव डिस्टेंस हमारे पास किस में है एक इसमें है ये इसमें नहीं है बोल रहा है कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है जीरो से स्टार्ट हो रहा है तो ये तो गलत है क्योंकि इनके बीच में जो डिस्टेंस है हाफ जी नोट हाफ जी इंटू टी नोट है ठीक है तो इसमें और इसमें है तो हमारा थर्ड ऑप्शन तो ऐसे ही बी ऑप्शन तो ऐसे ही चला गया ठीक है तो अब देखो जब ऐसे आएगा यहाँ पे आ गया ठीक तो है तो मान लेते हैं एट द इंस्टेंट जब ये बॉल वन वा, यहाँ पे पहुंचा होगा ठीक है तो इसको यहाँ से यहाँ आने में टाइम कितना लगा टी प्लस टी नोट ठीक है क्योंकि यहाँ पे यहाँ से इसको यहाँ आने में टाइम टी तो टोटल टाइम यहाँ से यहाँ आने में टाइम टी प्लस टी नॉट ठीक है तो इस टी टाइम में कुछ हमारा बॉल सेकेंड बॉल यहाँ पे आया होगा ठीक है ये सेकेंड बॉल अब देखो इसका हम रिलेटिव एक्सेलरेशन की बात करते हैं तो इसके पास भी एक्सेलरेशन जी है और इसके पास भी एक्सेलरेशन जी है तो यहाँ पे हमारा ए रिलेटिव एक्सेलरेशन जो है ये क्या आ गया जीरो आ गया ठीक है मतलब ये जीरो हो गया ए रिलेटिव तो मतलब हम जानते हैं एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर तो एस बराबर आ, वी इंटू टी आ, प्लस हाफ आ, जी टी तो जी ए रिलेटिव जीरो हो गया तो हमारे पास बचेगा ये मतलब जो इनके बीच में डिस्टेंस होगा ठीक है इनके बीच में अब जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी मतलब ये लीनियर फ्लो होगा ठीक है क्योंकि एस वर्सेस टी हमें ग्राफ बनाना है तो यहाँ से देख रहे हैं तो लीनियर कौन सा ग्राफ हो रहा है मतलब यहाँ से एक बात हमें लीनियर ग्राफ देख रहे हैं तो देखो हमारा सी ऑप्शन में भी लीनियर ग्राफ है डी ऑप्शन में भी लीनियर ग्राफ है और यहाँ पे देखो तो ये लीनियर ग्राफ नहीं है ठीक है क्योंकि ये ये एक स्मूथ ग्राफ जा रहा है तो ये हमारा क्या होगा ए ऑप्शन नहीं होगा अब हमारे पास बचा सी ऑप्शन और डी ऑप्शन ठीक है तो देखो हमने तो ये पता कर लिया कि अब ये लीनियरली जा रहा है अब देखो यहाँ क्वेश्चन में ये दिया है कि जो हमारा ग्राउंड है वो परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब परफेक्टली इन इलास्टिक है तो अब यहाँ पे हम वी रिलेटिव की बात करेंगे तो देखो इसका भी कुछ नीचे वेलोसिटी वी होगा मान लेते हैं वी वन और इसका भी वेलोसिटी कुछ नीचे वी टू ठीक है तो हम किसी के फ्रेम में चल जाते हैं मान लेते हैं वी टू के फ्रेम में जाते हैं वी टू के फ्रेम में ठीक है इसके फ्रेम में जाते हैं मतलब बॉल टू के बॉल के फ्रेम में तो हम यहाँ से जो v रिलेटिव आएगा v रिलेटिव ये निकालेंगे तो v1 को क्या मिल जाएगा ऊपर डायरेक्शन में v2 टू तो उसका नेट रिलेटिव वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में इसके फ्रेम में बॉल टू के फ्रेम में v1 वन माइनस हो जाएगा ठीक है तो रिलेटिव वेलोसिटी नीचे आ रहा है अब देखो ये ग्राउंड को टच करेगा ठीक है ग्राउंड को यहाँ पे और ये दिया है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है मतलब यहाँ पे आएगा तो जो ग्राउंड का वैलिसिटी होगा ये क्या होगा इसी को अटेंड कर लेगा मतलब ये एज्यूम कर सकते हैं कि जब ये हमारा वैलिसिटी मतलब बॉल वन इसको ग्राउंड को टकराएगा तो इस, इसका जो हमारा वैलिसिटी जो फाइनल वैल्यसिटी जीरो हो जाएगा मतलब वी क्या हो जाएगा फाइनली जीरो हो जाएगा तो देखो वी हमारा फाइनली जीरो हो जा रहा है तो हम अब हमारा जो अब अब जब ये हम ये बोल सकते हैं आफ्टर आफ्टर द फर्स्ट बॉल फर्स्ट बॉल हिट्स द ग्राउंड हिट्स द ग्राउंड तब हमारा जो वी रिलेटिव होगा वी रिलेटिव अब ये क्या हो गया ये जीरो हो गया तो हम बोल सकते हैं जो वी रिलेटिव हो गया क्या होगा निगेटिव होगा और ये बोल सकते हैं निगेटिव होगा और इसका वैल्यू ग्रेटर देन होगा मतलब अब जो वी रिलेटिव का मैग्नीट्यूड की बात करें तो ग्रेटर देन अगर ये हमारा ये डैश बोल रहे हैं वी रिलेटिव डैश मतलब जो फाइनल वी रिलेटिव होगा और ये वी रिलेटिव है ठीक है इससे हमारा इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा ज्यादा हो जाएगा ठीक है तो हम यहाँ से ये बोल रहे हैं कि जो हमारा वी रिलेटिव है इसका हमारा मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है ठीक है मतलब मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है और ये विथ निगेटिव स्लोप ठीक है और यहाँ से ये बोल रहे हैं अब देखो पहले क्या था हमारे पास इसके पास एक्सेलरेशन क्या था जीरो था ए रिलेटिव जीरो था बट जैसे ही यहाँ पे करेंगे तो ए रिलेटिव हमारा क्या आएगा माइनस जी आ जाएगा ठीक है मतलब अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखें हम टू के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो टू के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं तो ये क्या होगा इसका तो जीरो हो गया तो इसका अब ये ये जीरो हो गया है तो रिलेटिव वेलोसिटी इसके फ्रेम में देखें तो इसका क्या होगा डाउनवर्ड जी है और जो कि नीचे लग रहा है तो ये क्या हो जाएगा माइनस जी लगेगा मतलब ए रिलेटिव हमारा क्या हो गया निगेटिव आ गया मतलब निगेटिव एक्सलेशन से ये नीचे जा रहा है हमने डाउनलोड को निगेटिव माना है ठीक है डाउनलोड को निगेटिव माना है ठीक है तो यहाँ से हम ये देख रहे हैं कि जो वेलोसिटी होगा निगेटिव स्लोप के साथ उसका मैग्नीट्यूड अब क्या होगा रिलेटिव वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इंक्रीज़ कर रहा है क्योंकि यहाँ पे हमारा जो वेलोसिटी है वी ये जीरो होने जा रहा है ठीक है ये जीरो होने जा रहा है क्योंकि ये ग्राउंड से जैसे ही टच करेगा क्योंकि हमारा ग्राउंड यहाँ पे दिया है कि परफेक्टली इन इलास्टिक है ठीक है तो देखो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे ये जो स्लोप है हम जानते हैं एस वर्सेस टी का स्लोप जो होता है वेलोसिटी देता है तो यहाँ पे अगर स्लोप बनाएंगे तो ये फाइनली क्या हो रहा है स्लोप यहाँ पे डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे देखेंगे तो स्लोप यहाँ पे था ये फाइनली स्लोप क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है जब ये फाइनली स्लोप इंक्रीज हो रहा है तो मतलब यहाँ से ये हमें क्या बोल रहा है इसी ऑप्शन में ये दिया हुआ है इस क्वेश्चन में कि यहाँ से ये पता चल रहा था कि हमें जो इसका रिलेटिव वेलोसिटी इसका मैग्नीट्यूड फाइनली इंक्रीज कर रहा है विथ नेगेट